महेंद्रगढ़ में किसानों की आए दिन दुर्दशा हो रही है। आज किसानों ने शाम को फिर से हाईवे को जाम कर दिया। उनका कहना है कि 3 दिन से हमारी सरसों की खरीद नहीं हो रही, अब सरकार से बारदाना भी नहीं मिल रहा। किसानों का कहना था कि 3 दिन से तपती धूप में हम यहाँ पड़े हुए हैं, जहाँ पर सरकार की तरफ से छाया की कोई व्यवस्था भी नहीं है और न ही पीने का पानी मिल रहा, जिसके चलते किसानों ने स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। जाम की स्थिति आधे घंटे तक रही, जहाँ आने जाने वाले साधनों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। कुछ ही समय बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने आकर जाम खुलवाया और आश्वासन दिया कि आज रात को बारदाना उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया, जिसके बाद किसानों को सरसों की अस्थायी अनाज मंडी में ले जाकर समझाया गया और आश्वासन दिया कि आपकी समस्या का समाधान कल सुबह तक करवा दिया जाएगा। उधर किसानों का कहना था कि अगर सुबह तक सरकार ने परेशानी को नहीं समझा तो हम दोबारा से जाम लगाने पर उतारू हो जाएंगे। कोई अधिकारी आओ ना, कोई कर्मचारी आओ ना, कोई ठेकेदार आओ ना, कोई मार्केट कमेटी वालों का आओ ना, चेयरमैन चेयरमैन कोई कमरे पे हम देख के जाए से उनकी गिर वाले और सरकारी भाव में बेचा हाथ कोई मानो कोई गिरे को बारदान को बारदान वाला गुजा है नु कहीं बेरो को काल नु घटाल वर्षी चाल पड़ो आज नु कैसी सोनी पत्ती चाल पड़ो। तो बारदाने के अलावा कोई और भी परेशानी है? इसके परेशानी से पानी ना और पेड़ की छाया कुछ भी छाया नहीं, गामड़ा में पड़ा है सामने। कितना दिन हो गया आपने यहाँ? आज तीसरा दिन, तीसरा दिन है अभी तक सिरसों खरीद नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई, पहली के दिन कर रहा है, पहले की भी पड़ी, पांच पांच दिन का पड़ा है। नार नोड़े लेकर गया उत्तम उठी क्या बात होगी? बात क्या होगी भाई? आपने नजर नु कह रहे सोनीपत से आ रहे हो वो अभी जानता है मठारो मठारो है हर का है बारदान नु जित उस दिन कही से तो आया कल पुलिस आ ने कही बहु बहु जी की समाधान वो आयो सर वो ये है कि बेर की तो लखो सिर के तो रात ने भर के भेजो बारदान अभी दादा ने बारदान बारदान है तो नहीं है जी बारिश खराब है ये कोई बताती हूं लंबा चौड़ा अगर हमने जमींदारों का एक एक दाना खरीद लिया, कहाँ खरीद लिया बताओ? जमींदारों का एक एक दाना मजबूर है, कहना कोई कितने बेच रहे कोई मंडी में बेच रहे मजबूर है बेच रहे जी। जमींदार तो मजबूर से, जमींदार जब 1300 को कट्टो मिलेगा तो 1500 में जमींदार खरीद लाइन में लायक कहना, और जमींदार को पैदा है वो पैदा नहीं है नूरुलाउन लाग रहा जी। पूर्ण जमींदारी तेज चीज से कोई नहीं, कल प्रशासन आयो तो कल पीसीआर आई थी उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, बोले भाई हम क्या कर सकते हैं, कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं, क्या करें बताओ, मजबूर है हम तो। रोड पर जाम बैठ कहाँ पर आए बाबू बारदाना? कहाँ पर आए बारदाना? भाई ये ठेकेदार रात को आता है क्या बारदाना? रात को बुलाया जाता है बारदाना? नहीं हम तो पूरे किसान हैं देखते हैं। अच्छा रात को आया था? रात को खुद का ही बनवाया जाता है? 26 तारीख के यहाँ पड़े 26 तारीख का जी। बताओ आज तक सिरसों नहीं दिया, जमींदार आए दुगनी नु कीजिए नु परेशान करेगा जब दुगनी है आए बताओ। हमने स्टेट हाईवे जाम किया, किस आश्वासन के बाद आपने जाम खुलवाया, क्या था ये पूरा मामला? ये बारदाने की वजह से परचेज नहीं हो रही थी, अब रास्ते में बारदाना, जैसे ही बारदाना पहुंचता है बिल्डिंग चालू कर दें। और कहां से आ रहा बारदाना, कब तक पहुंचेगा? पानीपत से आ रहा है, अब रास्ते में है, शाम तक देर तक पहुंचेगा। ये बार बार जैसे बारदाना ना मिलने पे ये क्यों दिक्कत आ रही है, क्या लगता है? बारदाना तो पता ही है, बारदाने की क्राइसिस चल रही है। शाम ने 3 क्विंटल जी नंगल का पूरे बारदाना पूरे कैसा पड़ी है, बिल्कुल ओपन खुले में। अगर बारिश आ गई है तो सरसों सारी खराब हो जाएगी, न भरने को कोई आएगा, जमीन में जाकर गिर जाएगी, सारी गिर जाएगी। आप बताओ सर ये तो क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत है 3 दिन होने पड़े कोई आ रहा नहीं, तो बारदाना नहीं आ रहा, भरने आ रहे हैं, बारदाना आएगा आएगा अभी अनवर से बता रहे हैं, बारदाने की दिक्कत आ रही है, बारदाने की दिक्कत आ रही है, नंबर की दिक्कत आ रही है। नाम क्या जी आपका? सुंदरपाल लाउन से। हाँ जी।